और आज की वीडियो के पहले 5 मिनट का लाइक टारगेट हम रखते हैं, कितने का रखें, 300 का लाइक टारगेट। अगर आपको पता है ऑलरेडी कि इसमें इस वीडियो में आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे लीक्स वगैरह देखने को मिलने ही वाले हैं, वीडियो देखने से पहले ही लाइक मार दो, 300 का टारगेट लेके चलते हैं। देखते हैं हमारा आज का टारगेट रीच होता है कि नहीं। अगर रीच हुआ कल की वीडियो में, मैं पक्का से आप सारे लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। Hey guys, this is Mukul Sharma, aka Stuff Listings. Welcome to yet another episode of Tech Stuff. Before you start watching the video, if you're new to the channel, don't forget to subscribe to Stuff Listings. आज क्यों स्टार्ट करते हैं सैमसंग के साथ है। सैमसंग जल्दी ही लॉन्च करने वाला है इंडिया में अपना सैमसंग गैलेक्सी F41 स्मार्टफोन। ये एक मिड रेंज स्मार्टफोन होगा। इसके बारे में बहुत सारे लीक्स वगैरह ऑलरेडी निकल के आ चुके हैं, बट अब इसकी स्पेसिफिकेशंस कुछ लीक हुई हैं। ऑलमोस्ट सारी स्पेसिफिकेशंस लीक हो चुकी हैं। अब आई एम नॉट सो श्योर कि ये स्पेसिफिकेशंस 100% कंफर्म है कि नहीं है, बिकॉज आई एम नॉट द वन हू इज लीकिंग दीज स्पेक्स, बट स्टिल सैमसंग गैलेक्सी F41 स्मार्टफोन की रूमर्ड स्पेक्स है 6.4 इंचेस की फुल HD प्लस इन्फिनिटी यू सुपर एमोलेड डिस्प्ले, दैट इज आपको एक वाटर ड्रॉप नॉच मिलेगा। एक्सिनोस 9611 प्रोसेसर ये कंफर्म है। 6GB RAM, 64GB/128GB इंटरनल स्टोरेज जो कि एक्सपेंडेबल होगी अप टू 512GB। साथ में आपको मिलेगा एंड्रॉइड 10 और ऑफ कोर्स वन यूआई आपको यहां पे 2.0 देखने के पूरे पूरे चांसेस है। 64 मेगापिक्सल का होगा एक कैमरा, उसके साथ में होगा एक अल्ट्रा वाइड लेंस और साथ में एक डेप्थ सेंसर या फिर एक मैक्रो सेंसर। यहां पे तीन ही कैमरास होंगे पीछे की तरफ। फ्रंट कैमरा होगा 32 मेगापिक्सल का। रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको मिलेगा यहां पे इवन आफ्टर द फैक्ट दैट इट्स एन एमोलेड पैनल। और साथ में आपको मिलेगा 3.5mm हेडफोन जैक, 6000mAh बैटरी फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट के साथ। ये है कुछ स्पेसिफिकेशंस फीचर्स सैमसंग गैलेक्सी F41 स्मार्टफोन की। दिखने में ये स्मार्टफोन कैसा है मैं आपको ऑलरेडी पिछली वीडियोस में बता ही चुका हूं, बट स्टिल आपको मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, दिस इज व्हाट द सैमसंग गैलेक्सी F41 स्मार्टफोन इज गोइंग टू लुक लाइक। आगे बढ़ते हैं Vivo की तरफ। एंड Vivo ने कुछ टाइम पहले इंडिया में लॉन्च किया था अपना Vivo Y20 स्मार्टफोन। इसको लॉन्च होने से पहले ही मैंने लीक कर दिया था, सारी स्पेक्स फीचर्स लाइव शॉट्स वगैरह आपको दिखा दी थी। बट जब ये स्मार्टफोन लॉन्च हुआ था इंडिया में, इसका 4GB वेरिएंट लॉन्च हुआ था। अब Vivo ने इसका एक नया वेरिएंट लॉन्च किया है जिसमें आपको 6GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज मिलती है। इसकी प्राइसिंग इंडिया में रखी गई है 13,990 रुपीज। जो इसका 4GB वेरिएंट है उसकी प्राइसिंग है 12,990। यहां पे 1,000 रुपए और देके आपको 2GB एक्स्ट्रा रैम मिल जाएगी। सो इफ इन केस इंटरेस्टेड इन द Vivo Y20, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये वाला वेरिएंट आपको लेना चाहिए। 1,000 रुपए में आपको यहां पे एक्स्ट्रा रैम देखने को मिलने वाली है। और Vivo की बात कर रहे हैं तो Vivo की अपकमिंग V20 सीरीज की भी हम बात कर लेते हैं। Vivo V20 सीरीज में अगर आपको नहीं पता, तीन स्मार्टफोन्स होने वाले हैं, Vivo V20, V20 SE और Vivo V20 Pro। अब बहुत सारे रूमर्स वगैरह निकल के आ रहे हैं कि Vivo V20 सीरीज में एक स्मार्टफोन 5G होगा, एंड Vivo V20 Pro स्मार्टफोन अब ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है कि इसमें 5G सपोर्ट आपको देखने को मिलने वाली है। बिकॉज एक ऑफिशियल वीडियो में कंपनी ने जो इसका पीछे का व्यू दिखाया उसमें 5G लिखा हुआ है, मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, दिस इज व्हाट द Vivo V20 Pro smartphone is going to look like। और जो Vivo V20 होगा उसमें आपको Qualcomm Snapdragon 720G प्रोसेसर मिलेगा। ऐसा भी कंपनी के ऑफिशियल कुछ जो वीडियोस हैं और लीक्स वगैरह के थ्रू हमें कंफर्मेशन आ चुकी है। आपको मैंने सुबह की वीडियो में अगर याद होगा तो बोला था कि Vivo V20 5G होने वाला है, दैट इज नॉट ट्रू। Vivo V20 Pro 5G होगा, Vivo V20 जो होगा वो 720G के साथ 4G ही हमें देखने को मिलने वाला है। आगे बढ़ते हैं नोकिया की तरफ है। नोकिया जल्दी ही लॉन्च करने वाला अपना नोकिया 3.4 स्मार्टफोन है। राइट एट द लॉन्च नोकिया 3.4 अब FCC सर्टिफिकेशन वेबसाइट पे सर्टिफाई हो चुका है। FCC सर्टिफिकेशन की जो इमेजेस वगैरह है मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं। आगे बढ़ते हैं सोनी की तरफ। सोनी ने बहुत टाइम के बाद फाइनली अनवील कर दिया अपना सोनी PS5। 12 नवंबर को ये जो कंसोल होगा लॉन्च होने वाला है। इसकी प्राइसिंग है जो स्टैंडर्ड एडिशन है उसकी प्राइसिंग है $499.99 और जो इसका डिजिटल एडिशन होगा, डिजिटल एडिशन में आप CD वगैरह नहीं लगा पाते, उसमें आपको प्राइसिंग मिलेगी $399.99। तो मेरे जैसा बंदा तो $399 वाला ही लेगा, मैंने वैसे भी गेम्स वगैरह बाय करनी होती है ऑनलाइन कॉपीज। आपको वैसे कैसा लगा ये प्राइसिंग वगैरह आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और इसके साथ सोनी ने बहुत सारी एक्सेसरीज, बहुत सारे टाइटल्स को भी अनवील किया है, उनकी प्राइसिंग मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं। आज की वीडियो का पोल भी बाय द वे आप लोगों के लिए यही है कि सोनी का PS5 वर्सेस Xbox सीरीज S अगर आप खरीदते हैं या अगर आप खरीदने वाले हैं, आप कौन सा कंसोल लेना पसंद करेंगे, कम्युनिटी सेक्शन में जाके पोल करके आप हमें बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं सोनी की तरफ फिर से। एंड कंसोल तो हो गया और साथ में सोनी ने लॉन्च कर दिया अपना नया स्मार्टफोन सोनी एक्सपीरिया 5 II या 5 Mark II। ये स्मार्टफोन बहुत सारी अच्छी अच्छी स्पेसिफिकेशंस फीचर्स के साथ आता है, आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं स्पेक्स। 6.1 इंच की फुल HD प्लस OLED HDR डिस्प्ले, 21:9, ये जो सोनी का एक इन हाउस लंबा सा एस्पेक्ट रेशो होता है वो आपको यहां पे भी देखने को मिलेगा। 120Hz की रिफ्रेश रेट है। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 6 प्रोटेक्शन, Qualcomm Snapdragon 865 प्रोसेसर, 8GB रैम, 128GB इंटरनल स्टोरेज, अप टू 1TB आप एक्सपेंशन
कर सकती हैं. एंड्रॉइड 10 12 मेगापिक्सल प्लस 12 मेगापिक्सल प्लस 12 मेगापिक्सल, तीन कैमरास मिलेंगे. पीछे की तरफ फ्रंट कैमरा होगा 8 मेगापिक्सल का, यहाँ पे थोड़ा सा एक डाउनग्रेड है. 3.5 mm हेडफोन जैक आपको मिलेगा. साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर, IP68 वाटर रेजिस्टेंस, 4000 mAh बैटरी विद USB पावर डिलीवरी, फास्ट चार्जिंग. ये है स्पेसिफिकेशंस, फीचर्स. सोनी एक्सपीरिया 5 मार्क 2 की इसकी प्राइसिंग रखी गई है $950, 69,000 के आसपास इसकी प्राइसिंग होगी अगर ये स्मार्टफोन इंडिया में आया. कैसा लगा आपको सोनी एक्सपीरिया 5 मार्क 2? क्या आप इस स्मार्टफोन को खरीदना चाहेंगे कि नहीं, कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं. आगे बढ़ते हैं एप्पल की तरफ. एप्पल ने फाइनली ऑफिशियली रिलीज कर दिया अपना iOS 14, iPad OS 14, TV OS 14 और Watch OS 7. अगर आप कोई भी एप्पल का ऐसा प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं जो कंपेटिबल है इन किसी भी अपडेट्स के साथ, अब आप अपने स्मार्टफोन, अपने टैबलेट, अपनी घड़ी और अपने क्या बचा टीवी को लेटेस्ट एप्पल के OS के साथ अपडेट कर सकते हैं. और अपडेट्स की बात करें तो Asus Zenfone 6 स्मार्टफोन यूजर्स के लिए एक अच्छी न्यूज है. Android 11 बीटा अब फाइनली रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है आपके स्मार्टफोन्स के लिए. इफ इन केस यू ओन एन Asus Zenfone 6 स्मार्टफोन, अब आप Android 11 का लुत्फ अपने स्मार्टफोन में उठा सकते हैं. आगे बढ़ते हैं Realme की तरफ. है Realme C17 स्मार्टफोन जो कि ग्लोबली लॉन्च होने वाले जल्दी ही और बांग्लादेश में सबसे पहले लॉन्च होगा. बांग्लादेश के बहुत सारे व्यूअर्स हैं वैसे स्टफ लिस्टिंग्स आर्मी के मेंबर्स. कितने लोग बांग्लादेश से वीडियो देख रहे हैं आप कमेंट सेक्शन में हमें बाय द वे बता सकते हैं. Realme C17 के लिए ऑफिशियल कंफर्मेशन अब आ चुकी है कि हमें 90 Hz की रिफ्रेश रेट इस स्मार्टफोन में देखने को मिलने वाली है. सो इफ इन केस आप प्लान कर रहे थे Realme C17 को बाय करने की, 90 Hz आपको एक अच्छे खासे प्राइस टैग में देखने को मिलने वाला है. और इंडियन यूजर्स के लिए, इंडियन टेक एंथुजियास्ट्स के लिए Realme C17 स्मार्टफोन अगले महीने लॉन्च होने के पूरे पूरे चांसेस हैं. आगे बढ़ते हैं टेक्नो की तरफ. एंड टेक्नो बहुत सारे स्मार्टफोन्स वगैरह तो लॉन्च करता रहता है, बट अब टेक्नो एक नया पावर बैंक या कुछ नए पावर बैंक्स इंडिया में लॉन्च करने वाला है. बिकॉज टेक्नो के कुछ पावर बैंक्स को मैंने कुछ टाइम पहले स्पॉट किया था इंडिया की BIS सर्टिफिकेशन वेबसाइट पे. अगर आप टेक्नो के प्रोडक्ट्स में इंटरेस्टेड हैं, टेक्नो के नए पावर बैंक्स इंडिया में जल्दी ही लॉन्च होने वाले हैं. आगे बढ़ते हैं सैमसंग की तरफ. एंड सैमसंग होल्ड कर रहा है अपनी नई गैलेक्सी अनपैक्ड इवेंट 23rd of September को. एंड इसका टीजर वीडियो सैमसंग के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे अब लाइव हो चुका है. मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा के दे दूंगा अगर आप चेकआउट उसको करना चाहते हैं. अभी के लिए सैमसंग के ग्लोबल हैंडल पे ये लाइव किया गया, बट यस वी कैन वेरी वेल एक्सपेक्ट कि ये जो सैमसंग गैलेक्सी S20 FE या सैमसंग गैलेक्सी S20 फैन एडिशन है ये इंडिया में भी लॉन्च हो सकता है. एंड यस अगर आप सैमसंग गैलेक्सी S20 सीरीज के फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स को खरीदने के लिए आप थोड़ा सा सोचने की थोड़े से ज्यादा महंगे हैं, दिस वन विल बी अ टोन डाउन वेरिएंट और थोड़ा सा बजट फ्रेंडली स्मार्टफोन होगा. सो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर द सैमसंग गैलेक्सी S20 फैन एडिशन. आपको क्या लगता है स्मार्टफोन के बारे में कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं. आगे बढ़ते हैं सैमसंग की तरफ. एंड सैमसंग गैलेक्सी टैब एक्टिव 3 ये एक रगेड टैबलेट होगा. इसकी स्पेसिफिकेशंस फीचर्स मैं आपको ऑलमोस्ट सारी बता चुका हूं. कल मैंने आपको बताया था कि ये जर्मनी की और यूके की ऑफिशियल सपोर्ट पेजेस पे भी लाइव हो चुका है. अब सैमसंग गैलेक्सी टैब एक्टिव 3 NBTC सर्टिफिकेशन वेबसाइट पे भी सर्टिफाई हो चुका है. दैट मीन्स एशियन कंट्रीज में भी ये टैबलेट जल्दी ही हमें देखने को मिलने वाला है. आगे बढ़ते हैं वोवे की तरफ. एंड वोवे ने एक नया एंट्री लेवल टैबलेट इंडिया में लॉन्च किया. इसका नाम है वोवे मेटपैड T8. अगर आप यू नो 10,000 से 12,000 की रेंज वाले टैबलेट्स वगैरह में इंटरेस्टेड हैं, वोवे मेटपैड T8 इज नाउ अवेलेबल इन इंडिया. फ्लिपकार्ट के थ्रू आप इसको बाय कर सकते हैं. इसकी स्पेसिफिकेशंस फीचर्स मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं. आगे बढ़ते हैं Realme की तरफ फिर से. Realme ने इंडोनेशिया में अपना Realme 7i स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया. एंड ये एक मिड रेंज स्मार्टफोन है. इसकी प्राइसिंग है 30,99,000, 30,99,000 जो इंडोनेशिया की करेंसी होती है उसके हिसाब से. इंडियन जो प्राइसिंग है वो है समवेयर अराउंड 15,000 रुपीज. स्पेसिफिकेशंस की अगर हम बात करें तो Realme 7i में हमें मिलती है एक 6.5 इंचेस की IPS LCD पैनल, 90 Hz की रिफ्रेश रेट और HD+ रेजोल्यूशन के साथ. पीछे है चार कैमरा, 64 MP का आपको मिलता है प्राइमरी लेंस, साथ में एक ऑक्टा कोर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 662 प्रोसेसर, 8GB रैम, 128GB इंटरनल स्टोरेज. ऑफकोर्स स्टोरेज एक्सपेंशन की आपको यहाँ पे सपोर्ट मिलेगी. एंड्रॉइड 10 Realme UI अभी के लिए 1.0, साथ में 5000 mAh बैटरी और 18 W की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है. स्मार्टफोन में माइक्रो यूएसबी का चार्जिंग पोर्ट. कैसा लगा आपको Realme 7i स्मार्टफोन? मुझे नहीं लगता कि ये Realme 6i का बहुत बड़ा कोई अपग्रेड है. स्टिल आपको ये स्मार्टफोन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं.
आगे बढ़ते हैं Realme की तरफ एंड Realme Narzo 20 सीरीज ऑफ स्मार्टफोन्स की ऑलमोस्ट सारी स्पेसिफिकेशंस मैं आपको लीक करके बता चुका हूं, ऑलमोस्ट क्या सारी हो ही चुकी हैं। पिछली दो वीडियोस आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, Realme Narzo 20 और 20A की एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो हम लोगों ने बनाई थी, और सुबह की टेक्स्टअप में आपको मैं Narzo 20 प्रो स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशंस ऑलरेडी बता चुका हूं। स्टिल Realme Narzo 20 प्रो स्मार्टफोन के लिए एक बहुत ज्यादा लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे कि इसमें आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर या बायोमेट्रिक्स कहां पे मिलेंगे। मैं आपको यहां पे बता रहा हूं कि Realme Narzo 20 प्रो स्मार्टफोन में एक साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर होगा, 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट होगी और 120 हर्ट्ज का आपको मिलेगा टच सैंपलिंग रेट। ये चीज कुछ रह गई थी पहले, आई थॉट कि आज की वीडियो में आपको मैं ये चीज भी लीक करके बता दूं। और आगे बढ़ते हैं आज की लास्ट न्यूज की तरफ, एंड वन प्लस की तरफ से फिर से एक इंटरेस्टिंग न्यूज निकल के आ रही है। अब ये इंटरेस्टिंग अच्छी इंटरेस्टिंग है या बुरी इंटरेस्टिंग, ये आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, बिकॉज वन प्लस बहुत सारे स्मार्टफोन्स लॉन्च कर रहे हैं, जो वन प्लस की एक इमेज है कि यार साल में एक दो फोन लॉन्च होंगे और बस अच्छे फोन लॉन्च करेंगे, ऑक्सीजन ओएस बहुत स्टेबल फोन्स होंगे, बहुत ज्यादा गिमिक्स वगैरह वन प्लस नहीं प्ले करता। बट एंड्रॉइड सेंट्रल की एक नई रिपोर्ट की अगर हम माने तो वन प्लस माइट सून लॉन्च अ न्यू वन प्लस नॉर्ड स्मार्टफोन। इसका नाम हो सकता है या तो वन प्लस नॉर्ड N10 5G या सीधा OnePlus N10 5G। ये एक 5G स्मार्टफोन होगा, इसमें आपको मिलेगी एक 6.49 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले, 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ, 8GB रैम, 128GB इंटरनल स्टोरेज, Qualcomm Snapdragon 690 प्रोसेसर, जो कि बिली वगैरह में बातें वगैरह चल रही थी, हो सकता है ये सेम स्मार्टफोन्स हो। 64+8+2+2 ये आपको मिलेगा रियर कैमरा मैकेनिज्म, और 64 megapixels वाला OnePlus Nord N10 5G OnePlus का पहला स्मार्टफोन हो सकता है। और प्राइसिंग की बात की जाए तो सोर्स कह रहे हैं कि भाई OnePlus जो Nord N10 5G होगा, फिर कंफ्यूज कर दिया यार नाम से, अब ठीक है, OnePlus Nord N10 5G की प्राइसिंग $400 से कम होगी। अब $400 अगर आप कहो कि यार OnePlus Nord तो इंडिया में 27-28-25 का मिल रहा, तो ये तो फिर महंगा पड़ गया। वन शुड नो कि इंडियन प्राइसिंग हमेशा कम ही होती है, और अभी के लिए कंफर्म नहीं है कि ये स्मार्टफोन इंडिया में आएगा कि नहीं आएगा, यूएस में लॉन्च होने के इसके पूरे पूरे चांसेस हैं, बट स्टिल आई बिलीव इंडिया में भी OnePlus का ये स्मार्टफोन लॉन्च हो सकता है फ्यूचर में, देखते हैं क्या बनता है। OnePlus ने ऑलरेडी बोला हुआ है कि Nord सीरीज होगी, Nord एक अकेला स्मार्टफोन नहीं होगा, तो ये जो Nord N10 स्मार्टफोन है देखते हैं कब इंडिया में आता है। बट आपको क्या लगता है कि OnePlus Nord N10 690 प्रोसेसर के साथ, डू यू एक्चुअली थिंक ये स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च होना चाहिए कि नहीं, कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कल का पोल देख लेते हैं। कल हमने से पोल में क्वेश्चन पूछा था, विच प्लेटफॉर्म शुड वी यूज फॉर द वर्चुअल मीटअप। 64% लोग कह रहे हैं गूगल मीट, 17% लोग कह रहे हैं YouTube पे आके YouTube को वोट नहीं किया, वाह, और 14% लोग कह रहे हैं Zoom, 5% लोग कह रहे हैं Instagram। चलो ठीक है, गूगल मीट इज द चॉइस एंड हम गूगल मीट के साथ ही जाएंगे। अब आज कमेंट सेक्शन में बोलो कि मीट करना कब है, उसके हिसाब से धीरे धीरे ऐसी तैयारियां करते करते हम मीट भी कर लेंगे गूगल मीट पे। और वीडियो खत्म करते हैं कल के कमेंट्स के साथ। प्रसाद जी कह रहे हैं लव यू ब्रो, लव यू टू ब्रदर। आगे कह रहे हैं सारा जग घूमया, आगे उन्होंने तीन अलग अलग अर्थ के वो बनाए हैं, और स्ट्रेंजली अर्थ के ना जो डायरेक्शन अलग अलग है, ध्यान से आप देखो अगर तो, और उसके आगे उन्होंने एटलेस भी बना रखी है, बहुत अच्छा वेल थॉट। तेरे जैसा थारे जैसा ना लीस्टर कोई, थैंक्स अलॉट ब्रदर, थैंक्स अलॉट एंड इट मीन्स अलॉट। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि जितनी चीजें आपको लीक करके प्रोवाइड करता रहूँ, लीक्स होंगे, रिव्यू होंगे, अनबॉक्सिंग्स हो या जितनी भी चीजें हो, वी आर ट्राइंग आर लेवल बेस्ट। वंस अगेन आप सारे लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियोज वगैरह पसंद आ रही हैं, आप इनको शेयर कीजिए। स्टफ लिस्टिंग्स आर्मी को थोड़ा सा बढ़ाते हैं अब, और यू नो 42,000 वैसे सब्सक्राइबर्स हो गए हमारे, कल हुए थे आई गेस, सो येस वी आर यू नो ग्रोइंग वेरी स्टेडिली एंड अच्छा लग रहा है, बट स्टिल आप भी ट्राई कीजिए, जितना आप वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही हमें भी फायदा पहुंचे। अनुराग जी कह रहे हैं स्टाइलिस्टिंग्स प्रॉमिस करके कहां गई, अच्छी बात नहीं है, होप आजकल की आप कल की 421st टेक्स्ट ऑफ में आएंगे एज अ होस्ट। स्टाइलिस्टिंग्स आएंगे जल्दी ही, अभी थोड़ा सा यू नो अभी हमने शिफ्ट किया है, तो शी इज बिजी डेकोरेटिंग एंड प्रिपेयरिंग हर ओन स्टूडियो। चलो ये लीक करके मैं आपको बता रहा हूँ, स्टाइलिस्टिंग्स को आज आप बोल सकते हो कि अपने स्टूडियो को एक बारी दिखा दें, शी इज मेकिंग अ वेरी गुड स्टूडियो। एक और रूम है हमारा मेरे फ्लैट में उस साइड, तो वो उसमें थोड़ा सा बिजी ज्यादा रहती हैं, तो इस चक्कर में वो नहीं आ पा रही वीडियो में, बट ये ट्राई करेंगे कि जल्दी से जल्दी, हो सकता है संडे स्टफ में आई ब्रिंग हर बैक। बलबीर बडयाल जी आगे कह रहे हैं कि आला रे आला पोको आला, 10 10 10 10 कैट 10 10 10 10 आई गेस समथिंग लाइक दैट, आला रे आला पोको आला 22nd of September को वाला। Yes, Poco X3 is launching very soon now. So, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं Poco X3 स्मार्टफोन को बाय करने में, अब आपको ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। और आगे बढ़ते हैं कमेंटेटर ऑफ द डे की तरफ, है ऋत्विक पांड्या जी इज द कमेंटेटर ऑफ द डे। वो कह रहे हैं ट्राइंग टू हार्ड टू बी हेयर ऑन टाइम,
थैंक्स लॉट ब्रदर। एंड यस, नोटिफिकेशन अगर आपको नहीं भी आती मैं ट्विटर पे ट्वीट करके आपको बता ही देता हूँ, बट स्टिल बहुत अच्छा लगता है आप सुबह 9 बजे और शाम को 5:50 पे बिल्कुल टाइम पे हमारी वीडियोस देखने आ जाते हैं। और आगे बढ़ते हैं, वीडियो खत्म करते हैं स्टफ यू शुड नो के साथ। सुभाष जी कह रहे हैं वर्ल्ड्स बिगेस्ट लिविंग बीइंग इज नॉट ब्लू व्हेल, इट्स अ मशरूम विच इज 3.5 किलोमीटर बिग। सम इंटरेस्टिंग स्टफ दैट वी ऑल शुड नो। ये सब्जी अगर हमने बनाई तो पूरा शहर खा लेगा। कहां पे है ये मशरूम बाय द वे, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपको सुभाष जी का ये इंटरेस्टिंग फैक्ट पसंद आया, आप इनके कमेंट को जाके एक थम्सअप देना मत भूलिएगा। सो देयर यू गो गाइस, ये थी शाम की टेक्स्ट स्टफ। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब इफ यू हैवंट ऑलरेडी। गॉड ब्लेस यू ऑल, पीस, सी यू टुमारो।